एक युवती द्वारा खुदकुशी किए जाने के मामले में परिजनों ने एक युवक पर आत्महत्या या हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने के सामने लाश रखकर चक्का जाम किया था। अभी तो टाइम चल रही है, अभी लखबड़ी चल रही है, डॉक्टर तो पहुंच गए। वो जो घर पे फांसी लगा ली है, क्या हुआ पूरा? हमारी बहन पूजा एरवार जो रवि बंजारा की उससे बात कर दी थी, और उसके कारण हमारी वो समय हमारी बहन के साथ घर में था, और उसने उसके साथ कुछ ऐसा किया है, क्या करा है वो पीएम के बाद पता पड़ेगा। उसके कारण उसी ने लगाई है, क्या करा है जे चीज, हमें तो उसी का डाउट है। उसी ने हमारी बहन को मारा है, उसी के कारण हमारी बहन की जान गई है, उसी ने फांसी लगा के मारा। हमारे घर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। कहाँ गए थे सब लोग? हम सब, मैं काम करने जाता हूँ, मेरे पिताजी काम करने जाते हैं, वो बाहर थे, मम्मी छोटे बच्चों के सरकारी वो दफ्तर में गई थी कागज बनवाने स्कूल के, और छोटी बहन है वो पढ़ने गई थी, दो भांजे रहते थे साथ वो स्कूल गए थे। घर में कोई नहीं था उस समय, ये 3 बजे हमारे घर पे आया, और जब तक नहीं गया उसने, जब हमारे घर में हमारे छोटा भाई वो मम्मी आई ना, हमारी मम्मी को लटकी मिली, उससे पहले जो घर के अंदर था। कितने बजे? 3 बजे जो घर के अंदर हुआ था, 5 बजे तक जो घर के अंदर रहा वो, उसको लटकाने के बाद मतलब जो गया ना तो वो लटकी मिली थी। जब जो घुसा था, जब वो उससे बात चल रही थी, उसी ने किया था, लड़के ने फोन लगाया, मैं घर पे हूँ, मुझे आपको फोन करके मुझे फोन लगाया, मैं घर पे हूँ, मुझे गाड़ी की चाबी दे दे, वो फ्लाइट के लिए पैसे मांगे थे, तो वो पैसे भी चाहिए था, क्योंकि घर पे ताला डला है, वो पैसे भी देखेंगे, उसके बाद पता पड़ेगा घर से पैसे लेके गया कि नहीं। कितने पैसे रखे? इससे पहले 70,000 रुपये ले चुका है हमसे, और फ्लाइट के लिए मांग रहा था। अभी फिर अभी घर पे जाके पता पड़ेगा कि पैसे लेके गया कि नहीं गया। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आज वो गरीब के संग है, वहाँ कोई पैसा मारे के संग में भी वो है। लोहांगी पुरा निवासी पूजा एरवार ने मंगलवार की शाम को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आज पीएम के पास सब परिजनों को सौंपा। परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा ले जाने की बजाय कोतवाली थाने लेकर पहुंच गई, और कोतवाली के सामने लाश रखकर काफी देर तक चक्का जाम किया। मौके पर पहुंचे CSP भारत भूषण शर्मा ने परिजनों को समझाने का काफी प्रयास किया। परिजनों के आरोप पर सख्ती से कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर परिजन अंतिम संस्कार के लिए पूजा के शव को शमशान घाट लेकर पहुंचे। मृतका पूजा एरवार के भाई बंटी एरवार ने बताया कि वहीं रहने वाले रवि बंजारा उर्फ टेंडा से मृतका पूजा बात करती थी। घटना के समय भी रवि बंजारा घर था, या कोई गलत काम किया है यह तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। बंटी ने बताया कि रवि बंजारे ने हत्या की है या आत्महत्या के लिए उकसाया है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। बंटी एरवार ने कहा कि रवि बंजारा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक घर पर रहा था, इसके बाद जब माँ आई तो पूजा एरवार फंदे पर लटकी थी। CSP भारत भूषण शर्मा ने कहा कि 18 वर्षीय पूजा ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पीएम के बाद पुलिस ने मर कायम कर लिया। मृतका के भाई ने आरोप लगाया है कि एक युवक का घर आना जाना था। भाई की शिकायत पर युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।